तो पिछले 3 हफ्तों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, लेकिन उसके पीछे लेजिट वजूहात। अब आप इनको एक्सक्यूजेस कहने, बहाने कहने, कुछ भी चलेगा, क्योंकि एक तो भाई आई डिजर्व इट, और दूसरा मुझे सिर्फ स्टोरी बताने का बहाना चाहिए। तो शहजाद भाई व्लॉग का है, शहजाद भाई कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो रहे, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस पर मेरा पूरा एक ब्लॉग बनाने का इरादा है, क्योंकि सात भाई ने बोला है टू ब्रो ऑलवेज मोर कॉन्टेंट, तो टू ब्रो ऑलवेज मोर कॉन्टेंट। राइटिंग माई आइडियाज एंड स्क्रिप्ट बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड, और पता होता है कि भाई बोलना क्या है। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था अजीब, और जब लिखा जा रहा था तो उसके रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। फिर एक दिन जब हम YouTube की गलियों में ऐसे ही टहल रहे थे, तो हमने देखी अपने डैमेज बाबू की वीडियो, जिसमें वो एक ऐप सजेस्ट करते हैं जिसका नाम है द मोस्ट डेंजरस राइटिंग ऐप .com। अब देखो भाई ब्रू ने सजेस्ट किया है, तो ट्राई करने में क्या अर्ज, लेकिन भाई शहजाद भाई ये है क्या द मोस्ट डेंजरस राइटिंग ऐप यार, मैं भाई 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 शहजाद भाई इज हियर, नो फियर, जानी एंड डियर। होता ये कि जैसे आप इस वेबसाइट में लिखना शुरू करते हैं ना, तो भाई रुक नहीं सकते, क्योंकि बाबू अगर रुक गए ना तो सारा प्रोग्रेस हो जाएगा लूज। क्या फायदा भाई, क्या फायदा मैं बताता हूँ भाई, अगेन शहजाद भाई इज हियर। व्हाट इट डज इज इट लिमिट्स योर थॉट्स, आपके आइडियाज को ओवरथिंक और ओवर कॉम्प्लिकेट करने से बचाता है, और फियर ऑफ जजमेंट को कीटाणु समझ के उसका पाया, उसका एंड, उसका खात्मा कर सकता है। भाई मैं अपना आपको बताता हूँ, मुझे मैंने जैसे ही वेबसाइट खोली ना, मुझे कोई खास नहीं लगी, लेकिन डैन में बाबू ने सजेस्ट की है तो कुछ तो होगा ना, तो मैंने खोली, लिखना शुरू किया, 2-3-4 दफा मैंने ट्राई किया और आइडियाज आ गए 30, पता नहीं कहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट खोला और सारे लिख रहा था। तो काम 25 है, एक्चुअली 30 है, क्योंकि 30 गैंग हम भी आने वाले हैं 40 गैंग में, हमसे भाई तड़प तड़प। कुछ भी ऐसा काम जो करने में मुझे मजा आ रहा था वो कर ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड था भाई। मैं भागा, मैंने अपने पूरे हफ्ते के होमवर्क कर डाले, मैंने तो भाई अपना कमरा बार बार साफ किया, लेकिन जब वीडियो बनाने का टाइम आया तो मैं एक फिक्स टाइम रखता था जैसे 12 बजे, और अगर गलती से 12:01 बज गए तो मैं कहता नहीं अब तो वीडियो 1 बजे बनी, विच इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन विच लीड्स टू डीमोटिवेशन। भाई सिंपल सी बात है, ब्लॉग करना, एडिट करना और अपनी कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, तो व्हाई लुक एट परफेक्शन की सजा व्हेन यू कैन हैव व्लॉगिंग का मजा। कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा, नहीं बाकी बहुत बेकार है। नाजुक सूरत हाल है ये। पिछले पूरे 3 हफ्ते मैंने ऐसी चीज में गुजार दी कि क्यों वीडियो कैसे बनाऊं, ऐसे सवाल पढ़ूं, वैसे जवाब दूं, ये करूं वो करूं, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो करने में मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, तो Q&A वाले आइडिया को हमने कर लिया ड्रॉप। And then I took a break mentally for 4 days. और mentally को मैं specify करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे तो भाई मैं पूरे 3 हफ्ते सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा था कि भाई ये ब्लॉग कैसे बनेगा, ब्लॉग कैसे बनेगा, जल्दी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ये एक consistent pressure था मेरे ऊपर। भले ही मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन सोच मैं सिर्फ ब्लॉग के बारे में ही रहा, तो इस mentally 4 दिन वाले ब्रेक में मैंने ब्लॉग के बारे में सोचा ही नहीं। तो दिस ब्रेक हैज मेड मी रियलाइज कि बिहेवियर ड्राइव्स मोटिवेशन एंड एक्शन प्रोसीड्स इट, जैसा काम वैसा इनाम, जैसी करनी वैसी बननी। दिस वाज 99 एंड आई विल सी यू इन 100 एंड नवाज़िश। और एक्सपेरिमेंट करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, कि पता नहीं होता कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लोग गालियां देंगे, लोग तारीफ़ ही करेंगे। आमिर भाई ने हमें प्रीमियर बड़ी
प्यार से सिखाए, बड़े अच्छे तरीके से सिखाए। और मैंने उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर चैलेंज भी किया था कि शहजाद शो को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अगला ब्लॉग प्रीमियर पर एडिट करे, और मैंने कहा था चैलेंज एक्सेप्टेड बड़े कूल बन के, लेकिन ये व्लॉग फाइनल कट पे एडिट हुआ। आमिर भाई हम एडिट करेंगे, प्रीमियर पर एडिट करेंगे और इससे भी अच्छा करेंगे, अल्लाह करे। एंड आई विल सी यू इन 100 विद द न्यू इंट्रो एंड विद न्यू शशकाज एंड होपफुली विद न्यू, क्योंकि एक लाइन थी वो इरफान रे ने बोली, व्हाट्स इन माय हार्ट इज नॉट इन माय आर्ट, तो होपफुली माय आर्ट विल बी इन माय हार्ट। वेलकम टू द शहजाद शो। कुछ पसंद ही नहीं।